दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने किया न्यूजीलैंड दौरे के लिए अपनी टीम का ऐलान। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में जीत दर्ज करने के बाद अब न्यूजीलैंड दौरे के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कमर कस ली है। और महेंद्र सिंह धोनी ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए अपनी टीम का ऐलान करते हुए कुछ मैच विनर खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम का ऐलान करते हुए किन खूंखार खिलाड़ियों की वापसी कराई है, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ पूरी की पूरी महेंद्र सिंह धोनी की टीम के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय भारतीय टीम काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन बायलेटरल सीरीज में कर रही है, जहां पर भारतीय टीम ने हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज करी। तो वहीं पर 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी वनडे सीरीज में सीरीज को जीत लिया है। और आपको बता दें कि भारतीय टीम ने साल 2023 में अपनी पहली सीरीज जीत ली है। लेकिन अब इसके बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीमों का ऐलान हो गया, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। दरअसल 18 जनवरी से शुरू हो रहे वनडे सीरीज को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम का ऐलान करते हुए पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा को शामिल किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे और उनके साथ सलामी जोड़ी के रूप में शुभमन गिल खेलने वाले हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने मध्यम क्रम में भारतीय टीम को संभालने के लिए विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को शामिल किया है, जहां पर उन्होंने बताया कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर टीम को स्थिति के अनुसार जीत दिलाने के लिए खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण एक बार फिर से टीम में शामिल किया है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने यहां पर बड़ा बदलाव किया है, जहां पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर के तौर पर पहले की तरह ही फिर से शामिल किया है। इसके अलावा उनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा की वापसी हो चुकी है और अब पूरी तरीके से स्वस्थ है वो, और अब वर्ल्ड कप 2023 के लिए ये महत्वपूर्ण ऑलराउंडर होने वाले हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने फिरकी गेंदबाज के रूप में कुलदीप यादव को शामिल किया है, जो अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से टीम को जीत दिलाने का काम करेंगे। और इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और उमरान मलिक को शामिल किया है, जहां पर उन्होंने बता दिया है कि जसप्रीत बुमराह अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, और ऐसे में इन तीनों गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरने वाली है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने बैकअप खिलाड़ी के तौर पर ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल और अर्शदीप को शामिल किया है, जो भारतीय टीम में किसी भी खिलाड़ी के चोटिल होने के दौरान उनकी जगह पर खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम किन प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।